मेरी आशा दीदी, जय मसीह की। जय मसीह की। कैसे हो आप? कैसे हैं? मैं तो ठीक। हाँ, मैं भी ठीक हूँ। ये क्या बांट रहे हो? ये प्रभु के वचन है और सेवा कर रही हूँ मैं प्रभु की। अच्छा, और वैसे भैया और बिटिया कैसी है? भैया मीनू किधर हो? मीनू मैं पकड़ लूंगी मीनू को। मीनू किधर है? मीनू नजर नहीं आ रही बेटा, किधर हो? अरे मीनू किधर हो? मीनू मैं पकड़ लूंगी मीनू को। मीनू मीनू किधर है? पकड़ लियो मीनू को, पकड़ लियो। ये मीनू लगते हैं पापा आ गए। अभी हम लोगों ने खेला, पापा को डराएंगे। ओके हाँ चल ठीक है, रख रहा हूँ मैं फोन। तुम्हारे बस की नहीं है सब काम होना। जा एक चाय ले कर आ फटाफट। कभी यार सुबह से स्विच ऑफ करके बैठा, पता नहीं कहाँ मर गया ये भी। हेलो रघु, कल मिल तो मुझे, मैं नहीं जानता किसी भी हालत में मिल। सुबह से फोन बंद करके बैठा हुआ है। हट यहाँ से, दिखाई नहीं दे रहा, मैं फोन पे बात कर रहा हूँ। कोई बात नहीं बेटा, पापा टेंशन में है, हम खेलते हैं। ओके चलो। हाँ चल ठीक है, घर पहुंच गया मैं, कल करता हूँ फोन। हट, चाय लेकर आ जल्दी से। क्यों? जरा फोन खोल के देख, अपना बंद करके बैठा हुआ है तो। सुबह से मैसेज भी डाला है मैंने तेरे को। हाँ अरे पैसे के लिए फोन कर रहा है भाई वो मेरे को। कल मेरे को पैसे देने हैं उसके। क्या हुआ डिपॉजिट का? क्या मैं नहीं जानता, तू कल ऑफिस आ रहे हो और ऑफिस आकर बात करेंगे हम। ज्यादा बहाने मत मार फोन के ऊपर, काट रहा हूं मैं फोन। चाय बनानी भी नहीं आई अभी तक। क्या चाय बनाई है? आंटी यार ये तो बहुत टाइम खा जाएंगे और मुझे घर भी जाना है। प्लीज़ प्रभु मुझे बचाना, मैं इनसे कैसे बचूं प्रभु। लेकिन कोई बात नहीं, अब जाना पड़ेगा। देख लिया तो अब देखते हैं क्या होता है। अरे आशा सब्जी लेने गई थी? हाँ आंटी मैं सब्जी लेने गई थी और अभी आ रही हूँ और लेट भी हो गई हूँ बहुत आंटी। अरे सुनो तो सही, मैं क्या बोल रही हूँ, वो मिश्रा के घर में, वो मिश्रा की बहू जब से आई है ना, जब से उनके घर में इतने झगड़े, इतने तमाशे, बाप रे तुम पूछो ही मत, क्या हुआ क्या नहीं करते, लेकिन मैं सुनने नहीं गई। अच्छा आंटी मैं चलती हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम मैं आपसे मिलूंगी, अभी बहुत टाइम हो रहा है, हस्बैंड वेट कर रहे हैं। ओके बाय बाय। बाय आंटी। अरे लाइफ में भी हम भी जोकर, ये भी जोकर बोला था। अबे ये मेरे को मार रहा था, तू मैं को मार रहा है तो क्या दिन ही खराब है आज तो बिल्कुल। अपना तो बढ़िया भाई, गुप्ता जी अपने साथ है ना। अरे तू खेलना है, तू काय को टेंशन ले रहा है भाई? क्या टाइम हो रहा है? कब बोला था मैंने तेरे को आने के लिए? टाइम पे आना तो आता नहीं होगा, कुछ बनाकर भी नहीं गई यार तू, कब किचन के चक्कर लगा रहा हूँ मैं जी। वो कहानी बाद में सुनाइयो, अब टाइम बचा है क्या मेरे पास? मैंने तेरे को बोला था बिजनेस पार्टनर आने वाले, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है मीटिंग, जा कुछ बना के ला पहले। तू खेलना यार।
आशा आशा कितनी देर लगेगी भाई, क्या बना रही है, कब से वेट कर रहे हैं हम लोग वहाँ पे तेरा। मैं चाय बना रही हूँ। तो चाय बनाने में इतना टाइम लगेगी क्या, क्या बना रही है? मैं एक बात बोलूँ आपसे? बोल। मैंने कभी आपके बिजनेस के बारे में पूछा नहीं। हाँ तो मुझे आपके दोस्त भी अच्छे नहीं लगते हैं। आप कम से कम मीनू का तो ख्याल कीजिए। अच्छा, मैं तुम लोगों का ख्याल नहीं कर रहा क्या? ये सब कुछ जो कर रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ। पता है मेरे काम के बारे में, बाहर क्या कैसी जिंदगी है, कैसी दुनियादारी है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अरे जो कुछ कर रहा हूँ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, कभी किसी चीज की कमी छोड़ी है क्या मैंने? फिर भी तुम्हारे इतने नखरे हैं कि ये अच्छा नहीं है वो अच्छा नहीं है। ज्यादा ना नसीहत देने की जरूरत नहीं है मुझे, ना मेरे बिजनेस के बारे में ना मेरे दोस्तों के बारे में। तुझे नहीं पता मैं बाहर क्या कर रहा हूँ, रहना बन रहा है मेरे साथ तो ठीक है, नहीं तो घर छोड़ के जा सकती है तू, मुझे जरूरत नहीं है किसी की। जा। बहुत सर, हाँ दो बहुत लग रहा है ना, अंधेरा हो गया है ना, लग रहा है वहाँ कोई रो रहा है। कहां? देखेंगे, आप ऐसे करो, आप चलिए मैं आती हूँ, ठीक है? कल मिलते हैं। ठीक है। बेटी क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? आंटी कुछ नहीं, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। बेटी बताओ तो सही क्या हुआ, जो बताओगे तो आपका मन का बोझ हल्का हो जाएगा। आंटी मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत टूटी हुई हूँ, बहुत दुख है, मैं कुछ नहीं बता सकती आपको। इतनी परेशान हूँ कि मैं किससे बात करूँ, किससे क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आता है। आंटी बहुत टूट गई हूँ, बहुत दुखी हो गई हूँ आंटी। बेटी मेरा जीवन में भी ऐसे ही टूटा हुआ था, मेरा परिवार में भी ऐसे ही टूटा हुआ था, लेकिन मैं जब से प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार की जानी, तब से मेरे जीवन में भी बदलावट आया और मेरा परिवार का अंदर भी बदलावट आया। मैं ऐसे विश्वास करती हूँ कि आपका जीवन में भी ऐसे ही बदलावट आए, आपका परिवार में भी ऐसे ही बदलावट आए। बेटी आप बुरा ना माने तो एक बात पूछ सकती हूँ? जी आंटी बोलिए। आपका फ़ोन नंबर मैं लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आपको कल कॉल करूँगी। हमारा सिस्टर मीटिंग होता है, वहाँ आधा घंटा के लिए हम जाना चाहते हैं। मैं नहीं आ सकती आंटी। बेटी आधा घंटा के लिए, क्योंकि आपके लिए हम लोग बहनें लोग सब लोग मिलकर आपके लिए प्रेयर करेंगे। मैं विश्वास करती हूँ वो प्रेयर का द्वारा आपका जीवन में बहुत चमत्कार होगा, बहुत आशीष मिलेगा। क्यों आप मेरे को फ़ोन नंबर दे सकते हो? नहीं आंटी, क्या करोगे आप नंबर ले जाके? बेटी आधा घंटा के लिए, क्योंकि आपके लिए हम लोग बहनें लोग सब लोग मिलकर आपके लिए प्रेयर करेंगे। मैं विश्वास करती हूँ वो प्रेयर का द्वारा आपका जीवन में बहुत चमत्कार होगा, बहुत आशीष मिलेगा। क्यों आप मेरे को फोन नंबर दे सकते हो? जी आंटी। हमारे मध्य में सीनियर आंटी जी हैं। जय मसीह की आंटी जी, आगे की अगुवाई आप कीजिए आंटी जी। जी बहनों, कल मैं जैसे मीटिंग से जा रही थी एक सिस्टर का साथ, तो वहाँ रास्ता में एक बेटी मिली, वो वहाँ बैठ करके रो रही थी, बहुत सारे दुख कष्ट समस्या से गुजार रही, उसका परिवार का अंदर बहुत सारे दुख है, बहुत सारे समस्या है, इसीलिए मैं उसको आज बुलाई, हम लोग बैठ के यहाँ प्रेयर करते, वो प्रेयर में क्यों ना उसको बुलाया जाए, और हम लोग जब सब लोग मिलकर के प्रेयर करेंगे उसका जीवन में बहुत सारी चमत्कार अच्छा होगा, इसलिए मैं आज उसको बुलाई, ताकि हमारा वो प्रेयर में उसको चमत्कार हो, क्यों ना हम सब मिल करके उसके लिए हम प्रेयर करें। जी, जी,
मैं एक बात बोलूं जी सिस्टर, चिंता मत करो बहन, हम सब आपके साथ है। हम सबकी बहनों के जिंदगी में इससे कई समस्याएं थी, लेकिन जब हम प्रभु के पास, प्रभु के हाथ में जब सौंप दिया तो प्रभु ने हमें इन सबको भी छुटकारा दे दिया। तो आपको भी प्रभु आशीष देंगे, हम सब मिल करके आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जया सिस्टर से अनुरोध करती हूँ कि ये बेटी के लिए प्रेयर कीजिए। मैं ये पवित्र बाइबल आपको दे रही हूँ, उसको आप पढ़िएगा, हर दिन पढ़िए, आपका जीवन में बहुत आशीष मिलेगा। जी आंटी, मैं अनुरोध करती हूँ कि इस संडे हमारा आराधना होता है, वो आराधना भी आप शामिल होने के लिए। जी जरूर आऊंगी सिस्टर। थैंक यू। के साथ धोखा। अमित क्या हुआ आपको? अमित क्या हुआ आपको? नहीं छोड़ूंगा मैं। अमित अमित क्या हुआ आपको? अमित छोड़ अमित, मैं कह रहा हूँ अमित अपने आप को संभालो। छोड़ मुझे। क्या हुआ आपको? अपने आप को संभालो। छोड़ मुझे। नहीं छोड़ूंगा मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। अमित ये कैसे हुआ आपको? अमित कैसे हुआ ये? ए जाए, किसने क्या? अमित अमित मुझे बताओ ये कैसे हुआ आपका, ये हाल किसने किया? अमित अमित मुझे बताओ अमित कैसे हुआ? अमित मजाक समझ रखा है क्या? अमित से पंगा लिया, अमित से 17 साल कम नहीं होते, 17 साल। अमित को धोखा देंगे लोग। अमित से पंगा, छोड़ूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए छोड़ूंगा नहीं इसे। प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु, मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है प्रभु? क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है पिता? क्यों मेरे घर में खुशियां नहीं है प्रभु? मेरी जिंदगी में क्यों ऐसा हो रहा है प्रभु? मेरे घर में भी छोटा बच्चा है पिता, और वो डर जाता है प्रभु, हमारे घर के कलेश क्यों नहीं खत्म हो रहे प्रभु? प्रभु क्या आप मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु? किसकी नजर लग गई है प्रभु मेरे घर में? मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु। प्रभु मेरे घर में भी खुशियां दे पिता, मैं भी चाहती हूँ खुश रहना प्रभु। मेरे को प्लीज प्रभु आप आशीष करें पिता, पिता आप मेरे को आशीष करें प्रभु। मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ प्रभु, आप मेरी प्रार्थना को सुनिए प्रभु। प्रभु आप मेरी प्रार्थना को सुनिए पिता, क्यों ऐसा मेरे घर में है पिता? मैं आपसे विनती करती हूँ प्रभु, प्रभु आशीष कीजिए खुदा, आशीष कीजिए, आपसे आशीष चाहती हूँ पिता। आप कहाँ है प्रभु? आप मेरी पुकार सुनिए प्रभु, आप मेरी पुकार सुनिए प्रभु। प्रभु आप मुझे देख रहे हैं प्रभु, आपने सब देखा प्रभु, क्यों मेरे घर में ऐसा हो रहा है पिता? मुझे भी खुशियां चाहिए प्रभु। प्रभु मेरे घर में भी खुशियां चाहिए मुझे प्रभु।
Hi Amit, good morning. How are you doing? Let me see. Open your eyes, Amit. A little bit more. Look at me. Very good. Look at my finger. Left, right. Okay, look up. Check this eye. Nice. Move your fingers. Try moving your fingers. Okay, very good. रहेगा दो तीन दिन. Pain है आपको? पेन होता है, ठीक है, रहेगा दो तीन दिन, उसके बाद ठीक हो जाएगा. राइट, चेहरा टेक अ डीप ब्रेथ. वेरी गुड, टेक अ डीप ब्रेथ. ओके, वेरी गुड. ही इज ऑल राइट, बट बस कुछ बातें करनी थी. If you can come to the cabin, please. Okay. Thank you. Yes, Mrs. Asha, please sit. हमने मिस्टर अमित के रिपोर्ट्स और हमने चेक किए, जिसमें उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स थोड़े हाई हैं, बीपी थोड़ी हाई है, और उनकी अल्ट्रासाउंड की भी रिपोर्ट आई जिसमें उनको फैटी लिवर है, और ECG में थोड़ी सी वेरिएशंस दिख रही है. हमें डाउट है कि उनके हार्ट में कुछ ब्लॉक्स हैं, पर दो तीन और टेस्ट करना बाकी है, उनके रिपोर्ट्स आना बाकी है, और हम चेक करके हम बताएंगे. हमसे जितना हो सकता था हमने किया है, बाकी प्रभु के हाथों में. तो डॉक्टर, वो ठीक तो हो जाएंगे ना? घबराने की बात तो नहीं है ना कुछ? जी, जैसे मैंने आपसे कहा, हमने जितना हो सकता था हमने हमारा कोशिश किया है, और बाकी आप प्रार्थना कीजिएगा, प्रभु है, बाकी बताएंगे आपको आगे. ओके डॉक्टर. मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार. मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार. माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, आंसू को पहुंचेगा वो, बाहों में लेगा मुझे. माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आंखों के आंसू को पहुंचेगा वो, मुझे यीशुआ. देखो मैं क्या लाई आपके लिए. अरे ये किस लिए? आज हम घर जा रहे हैं और हमें डिस्चार्ज कर दिया है. ओह वाओ, डिस्चार्ज हो रहे हैं. और जब आप यहाँ पर एडमिट हुए थे तो डॉक्टर ने इतना कुछ बताया था आपकी हेल्थ को लेके, मैं इतनी टेंशन हो गई थी, मुझे बहुत टेंशन हो गई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ और कहाँ कहाँ नहीं गई मैं, पता नहीं किधर किधर गई हूँ मैं, मुझे तो याद भी नहीं है कहाँ कहाँ गई हूँ, इतना ज़्यादा टेंशन. डॉक्टर तो बोल रहा था कि कोई उम्मीद ही नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ, मैं चर्च जाती हूँ और मैं कल चर्च गई, वहाँ जाके प्रे किया, बहुत प्रे किया, और
आज ही मुझे गुड न्यूज मिला कि हम घर जा रहे हैं। कितना बड़ा चमत्कार है मेरी लाइफ में, इतना बड़ा चमत्कार देख के मैं बहुत हैरान हो गई हूँ, बहुत हैरान। लेकिन आशा, खाली प्रॉब्लम ये नहीं है जो तुम्हें पता है। तुम्हें पता है कितनी बड़ी बड़ी परेशानियों से जा रहा था मैं, पूरा बिजनेस पूरा, मैं बता नहीं सकता क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, इतने कर्जे पे कर्जा, करोड़ों का कर्जा हो गया। आई डोंट नो हाउ टू सॉर्ट इट आउट ऑल दिस थिंग। बहुत ज़्यादा परेशानी में था मैं, इसीलिए मैं इतना मतलब दबाव में था कि मैं इतना बड़ा कदम उठा गया उस टाइम पे। मैं मानता हूँ मैंने बहुत गलतियाँ की है ज़िंदगी में, तो तुझको और मीनू को हमेशा मैंने परेशान रखा, कभी भी तुम्हें प्यार नहीं दिया, मुझे पछतावा है उन चीज़ों का। पर आशा, मैं किससे शेयर करूँगी सब चीज़ें, तुझे बताकर भी कुछ फ़ायदा नहीं हो पाएगा, मैं जानता हूँ, इसीलिए मैंने तुमसे भी शेयर नहीं किया, मुझे बहुत पछतावा। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। प्रभु यीशु में मुझे नई आशा दिखती है, एक नया जीवन दिखता है। हम दोनों मिलकर प्रार्थना करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, क्यों ना हम प्रार्थना करें दोनों मिलकर। आशा, मुझे भरोसा है जो भी तुम बोल रही हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे तुम्हारे विश्वास के ऊपर भरोसा है और मुझे तुम्हारी इस नई आशा के ऊपर भी भरोसा है। जरूर हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। मीनू बेटा, ओमा ये मेरी बेटी। तुम यहीं हो अभी तक, आगे भी तो बढ़ना है। ओ उमा, ये मेरी फैमिली है, ये मेरे पति, ये मेरी बेटी है। बड़ा अच्छा लग रहा है दीदी आप लोगों से मिलकर। मेरी भी इच्छा हो रही कि मैं भी प्रभु की सेवा करूं। मैं जरूर आप लोगों से बाद में मिलूंगी। जय मसीह। ये थी उमा। आशा से मिलने के बाद उमा के अंदर भी एक नया उत्साह और एक नई उम्मीद जाग गई। अब उमा एक नई आशा लिए हुए अपने कदम आगे बढ़ाए जा रही है। ये थी आशा की कहानी। अब ये पुरानी आशा नहीं रही, प्रभु यीशु में एक नई आशा। आशा अब अपने परिवार के साथ प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई कर रही है। आशा ने तो अपना कदम आगे बढ़ा लिया है, लेकिन क्या आप तैयार हैं? यीशु की बी